सहायता करें वो। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा गोरखपुर समेत 16 जिलों में किया है। इस लॉकडाउन के तहत आम लोगों को अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 तक नियमों का पालन करते हुए रोजमर्रा की खरीदारी कर अपने अपने घरों में रहने को कहा गया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी शहर के विभिन्न 15 चौक चौराहों पर शासन की तरफ से सब्जी और जरूरी चीज़ों का उचित मूल्य वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। आमजन को उचित रेट पर सब्जियां मिल रही हैं, जिससे लोग कालाबाजारी से बचे रहे हैं। गाड़ियों के पूछने से थे ये कैसी गाड़ी है ये सब्जी बेच रहे हैं। भैया यार मारना क्यों किया यार लोटा मारा है लोटा विंटी हेलो लोगों ये और मेरे पड़ेगा 10 का है बोलिए बैगन हो गया 30,000 एक किलो टमाटर चलिए 30,50 80 या 1 किलो भिंडी 50 130 लाइन में आइए भैया लाइन में आइए 130 करेला 50 इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एक खरीदार ने बताया। देखिए सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है और साहबगंज मंडी में बहुत से लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से दाम अतिरिक्त हो चुका है, महंगा है। और सरकार द्वारा जो पहल की गई है उसमें हम लोगों को काफ़ी लाभदायक सामान मिल रहा, अच्छे रेट में मिल रहा और घर बैठे आराम से सामान उपलब्ध हो जा रहा है। बस सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा मास्क वगैरह का इंतज़ाम करें, सैनिटाइजर। रेट तो जेन्युइन रेट है, सही रेट है और सब्जी भी सही रेट है, ठीक है, ताज़ा सामान मिल रहा है। मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बिक रहा है, ऐसा नहीं कि 20 रुपये किलो 40 रुपये किलो नहीं मिला, जेन्युइन रेट मिल रहा है।